नमस्ते, मैं हूँ दीपाली। आपको स्वागत है दीपाली किचन में। आज मैं आपको चिकन करी बना के दिखाऊंगी, तो चलिए बनाते हैं चिकन करी। चिकन को अच्छे से धो के इसमें सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर और मस्टर्ड ऑयल देके इसको मैंने पहले से मैरिनेट करके रखी हूँ। अभी मैं इसमें रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर या जीरा पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 स्पून, कॉर्ड 2 स्पून, चिकन मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। पुदीना पत्ता, देखिए मैं चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर ली हूँ। अभी मैं इसे 1 आवर के लिए ढक के मैरिनेट होने छोड़ देती हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप को जाएंगे। अभी हम चिकन बनाने के लिए कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अभी मैं इसमें, हमारा ऑयल अभी गर्म हो गया है, अभी मैं इसमें सहा जीरा, क्यूमिन सीड्स, क्लोव्स, ब्लैक पेपर, दालचीनी, बे लीव्स या तेज पत्ता दे देते हैं और इसे थोड़ा फ्राई होने छोड़ते हैं। 1/2 स्पून शुगर, शुगर देने से चिकन का कलर अच्छा आएगा और करी में थोड़ा मिठास आएगा। थोड़ा फ्राई होने देते हैं। मैं इसमें ऑनियन दे देती हूँ। इधर मैंने 2 मीडियम साइज का ऑनियन काट के रखी हूँ, दे देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मीडियम में रखना है। देखिए हमारा ओनियन का कलर चेंज होने लगा है, पूरा ब्राउन कलर होने तक हमें इसे पकाते रहना है। देखिए हमारा ओनियन का कलर ब्राउन हो गया है। अभी हम इसमें टमाटर प्यूरी दे देती हूँ। इधर मैंने 1 मीडियम साइज का टमाटर को ग्रेटेड करके रखी हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ओनियन के साथ टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे। देखिए हमारे ओनियन और टमाटर अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी हम इसमें मैरिनेट किया गया चिकन को दे देते हैं। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है अच्छे से। फ्लेम को हमें लो में रखना है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए पकने छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद आके चेक करते हैं। 10 मिनट हो गया है। देखिए हमारा चिकन अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम चिकन में आलू को दे देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 आलू को फ्राई करके रखी थी, दे देती हूँ। आप चाहे तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चिकन के साथ। मैं थोड़ा वाटर दे देती हूँ चिकन को। मैं थोड़ा ग्रेवी बनाऊंगी इसलिए थोड़ा वाटर देती हूँ। आप चाहे तो ड्राई भी रख सकते हैं। फ्लेम को हमें मीडियम में रखना है। थोड़ा सॉल्ट दे देती हूँ 1/2 स्पून। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं चिकन को ढक के 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने छोड़ देती हूँ। 10 मिनट हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा चिकन कितना पका है। चिकन हमारा 80% पक गया है और आलू भी। अभी हम गरम मसाला दे देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारा चिकन और आलू अच्छे से पक गया है। हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसमें कोरिएंडर लीफ दे देते हैं और थोड़ा अमूल का फ्रेश क्रीम दे देते हैं और थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। देखिए तैयार हो गया हमारा चिकन करी। आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए आपको ये कैसा लगा।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।